Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Nandan Singh. Hope you guys, आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे. मैं अभी 2 महीने बाद ब्लॉग कर रही हूँ. रीज़न बहुत ही ख़राब था, मतलब इतना सारा रीज़न, इतना प्रॉब्लम आ गया भाई. फ़ोन का ही प्रॉब्लम, मेरा फ़ोन ये है कि मैं एडिट भी नहीं कर पा रही थी, फ़ोन भी ख़राब हो गया था 2 बार. और प्लस 2 महीने बाद मैं अभी वीडियो बना रही हूँ. और मैंने जो ब्लॉग बना बना के रखा था, मैंने बहुत सारा ब्लॉग बनाया था, पर उसका जो रिसेट मेरा फ़ोन हुआ तो वो सारा डिटेल वीडियो सब स्वाहा हो गया. अब मैं कंटिन्यू रहूँगी, हाँ ना, शायद हाँ रहेंगे. तो और एक रीज़न है कि व्यूज़ भी इतने नहीं आ रहे थे, तो मन भी नहीं कर रहा था, मतलब रहने दिया. फिर उसके बाद मेरा अंदर से इच्छा बोला कि करो. हाँ, अभी कुछ ऐसा है कि मेरा जो दीदी का बेटा है रियान, सो चले गया स्कूल, तो उसका सेकंड शिफ्ट स्टार्ट हो गया है. मैंने ब्लॉग में भी नहीं दिखाया होगा क्योंकि मैं कंटिन्यू थी भी नहीं और मैं ब्लॉग ही नहीं कर रही थी, मैंने छोड़ दिया था यूट्यूब. मेरी दीदी की जो बेटी है छोटी वाली, उसको स्कूल से पिक करने तो अभी फटाफट से निकलते क्योंकि उसकी स्कूल की छुट्टी हो गई है. तो अभी उसका मतलब स्कूल सामने में ही, यहाँ से 5 मिनट के रास्ते पे, तो अभी चलते फटाफट से. तो चलो, जो आपने कल बताया था ना वही. अच्छा एक मिनट, अभी मायरा को ले लिए हैं. मायरा हाय कर दो. अरे क्या बोल रही थी तुम मायरा, जल्दी बोलो. ये कुछ बताएगी अभी अपना फ्रेंड के बारे में, क्या कर देती तुम्हारी फ्रेंड, जल्दी फटाफट से बोलो. लंच खत्म, पूरा लंच खत्म कर देती है. और तुम उसका नहीं खाती है? नहीं. क्यों? बोलती है हाँ. मत खा मेरा. कौन खोल दिया? प्रियंका खोली है. प्रियंका पूरा बहुत परेशान करती है ना ये लोग, एकदम छोटा सा दिमाग में इतना बोझ है रे बाबा. गाइस, आज मैं जाने वाली हूँ मूवी देखने के लिए. तो कौन सी मूवी देखने जाने वाली हूँ इस टाइम में, इस मतलब अभी जो मूवी चल रहा है वो बहुत हिट चल रहा था. आप कमेंट में बताओ फटाफट से गेस करो और कमेंट करो जल्दी फटाफट से. मैं 5 तक काउंट करूँगी. 1 2 3 4 5 गेस कर लिया. तो मैं जाने वाली हूँ स्त्री 2 मूवी देखने के लिए. कि भाई इसमें हिट क्या है और इसके लिए बहुत पापड़ बेला गया है, वो मैं आपको विस्तार में बताऊंगी बाद में. तो अभी फिलहाल मैं जाऊंगी, मेरी दीदी जाएगी और मेरी जो अभी आपने देखा बेटी को मारा जाएगी. तो अभी तो देखने जाने वाले हैं पर उसका टाइमिंग नहीं पता, अभी तक टिकट भी बुक नहीं हुआ है. देखने जाने वाले वो कन्फर्म है, आज ही जाएंगे. बट दीदी गई है क्लिनिक क्योंकि उनका दांत का अपॉइंटमेंट था, तो गई है. तो उनका चेकअप कंप्लीट हो जाएगा तो वो बोली कि कॉल करेंगे, तो फिर निकलते हैं. फिर जो टिकट रहेगा उसी में, जो टाइमिंग में टिकट रहेगा मूवी लगी रहेगी, देख लेंगे जाके. पर तो गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए मूवी के लिए. और मेरा आउटफिट मैं वहाँ पर दिखाऊँगी. और अभी फटाफट से निकलते हैं क्योंकि दीदी का आने में थोड़ा लेट हो गया था और 3 बजे का शो है. और अभी 51 हो चुका है, मतलब 251 हो चुका है, तो हम लोग के पास 10 मिनट है. मॉल सामने ही है तो स्कूटी भी जाएंगे, तो फटाफट से हम निकलते हैं. स्त्री का पोस्टर यहाँ पे देखने आए जो आई एम सो एक्साइटेड. पर हम लोग लेट हैं, दीदी यहाँ पे ले रही टिकट. खेल खेल में अक्षय कुमार का यहाँ पे पोस्टर भरी आवाज से दिल को लुभाती थी वो, तो पूजा के दिनों में आती थी. और चुन्निर वस्त्र करके उठा ले जाती थी. इसलिए
आसाम का नाम का कोटा नहीं लगाया? देखिए मैं हूँ। एक सेकंड बिट्टू बाहर मत निकल लफ्ज़ तोड़ के। दीदी का तो दोबारा है। दीदी कैसा लगा दोबारा? बहुत बेकार, नींद आ रहा था। आपको मजा नहीं आया? क्या मजा आएगा, सस्पेंस कुछ था ही नहीं। बैठ ही नहीं हुई। अच्छा ओ हम लोग का ना पहले में छूट गया था वो वाला सीन, नहीं जो फर्स्ट वाली लड़की को पकड़ता है डिफेक्ट के मारता वही वाला छूट। अभी हम लोग जा रहे थे यांस को स्कूल से पिक करने के लिए। गाइस अभी हम लोग ने टेबल चेंज कर लिया, वहां पे टेबल पर लगा है। एसी का जो हवा आ रहा है यहां पे फ्रेंच फ्राइज और बर्गर और ये सॉस और ये कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि मैंने अभी नॉनवेज खाना बंद कर दिया। बंद क्या, नहीं खा रही, छोड़ दिया है। यहाँ पे खाना पीना हो गया। अरे बजाने के लिए पैसे फोन पकड़, फोन पकड़ गिरा देगा फोन। मैं 100% गिरा देगा। एक चीज़ आया है ऑर्डर, मतलब ये दिन में ही आ गया था और अभी अनबॉक्सिंग इसका किया गया है। ये कलर्स सारे हाइलाइटर कलर्स हैं तो बहुत, और इसका यूटिलाइज़ कैसे किया है मैं दिखा, इसका यूटिलाइज़ इंसान कैसा किया है ये हम लोग का महाराज वो मैं दिखाती हूँ आपको। क्या यूज़ किया दिखा रियांस, रियांस दिखा कैसे यूज़ किया तेरा, दिखाते वाह। तुम यूज करेगा तो खत्म नहीं होगा, हाँ तो उसको भी अंडरग्राउंड करना पड़ेगा हमको। अंडरग्राउंड कर देंगे, इसका मतलब है कि कहीं छुपा देंगे कुछ भी। इसका चीज नया आता है कलर वगैरह, ये बर्बाद करने बैठ जाता है जैसे कि अभी कर रहा है। मतलब कुछ भी मतलब ये नहीं है क्या बना रहा है, ड्राइंग खुद को बहुत कुछ नहीं पता। मैंने बोला कि रेनबो बनाओ, कलर्स भी इतने सारे ऑप्शन है तो उससे भी नहीं हुआ। रेनबो बना, सुनो अच्छा बनाएगा पिक्चर देख के तो अच्छा दिखेगा। साथ करना रहता है लेकिन हमको पता नहीं कि उसके नीचे क्या लगता है, रेड के नीचे ऑरेंज लगता है तो क्या है, मुझे नहीं पता। तो नेट है ना, नेट है ना, नेट में फोन में देखते हो ना, कार्टून देखते हो, ये तो सच मारो रेनबो बना बनता है। कट्टी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, मैं तो डर गई। फिर तेरे को नंगा दिखा दिए, सब डर गए सारे को नंगा। दीदी आप डेंटिस्ट के पास गए थे ना, दांत दिखाइए अपना। ये दांत का एक चमत्कार हुआ है गाइस, इससे पहले दिखा दी तब तो। हाँ वो फोटो नहीं, फोटो किसके रखे हैं, हम साइड में लगा देंगे सोच रहे हैं। हाँ वीवो और आप क्या कर, ये वाला सामने का दांत, मतलब दीदी को इन्फेक्शन हो गया था तो दीदी का पूरा मुंह फूल गया था, स्वेलिंग हो गया था अभी इतना, एक साइड लग रहा था हनुमान जी। उसके बाद फिर ठीक हुआ दवा पानी करके। उसके बाद 12,000 रुपये खर्चा हुआ एक दांत में, बताइए। सही में हम सोच रहे जो लोगों मतलब कैप लगाता होगा पूरा दांत में उसका तो कितना खर्चा होता होगा। मेरा जो हुआ इतना नीचे का, वो नहीं तो देना, एक्सीडेंट होकर गिरा है वो, उनका तो नकली दांत लगाया है नीचे पर, नकली ऊपर है। हमारे जो भेना है उनका नकली दांत है, ज़्यादा नहीं बोलते। मूवी का रिव्यू ये है था कि जितना मुझे एक्साइटमेंट लग रहा था उतना मूवी मतलब अच्छी थी पर उतनी भी अच्छी नहीं थी। मुझे उतनी मतलब अच्छी नहीं, अच्छी क्या, मैं तो बीच में थोड़ा बोर हो जा रही थी पर ठीक थी। अब किसी क्या अच्छी थी पर वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी ऐसे नहीं बोल सकती। सबसे अच्छा मेरे को कौन लगा मैं वो बताती हूँ। सबसे अच्छे मेरे को लगे भेड़िया नहीं, इसमें सबसे अच्छे लगे राजकुमार सर। थैंक
उनकी एक्टिंग भाई बहुत मज़ा आया और उनके जो दोस्त थे मज़ा आ गया। तो गाइस अभी रात 11 बज चुके हैं और अभी पैकिंग चल रहा है क्योंकि हम लोग कहीं कल जाने वाले हैं, जो कि अभी दूसरा ब्लॉग में पता चलेगा। ये पैकिंग दीदी का हो गया, ये बैग, और अभी पूरा कर रहे थे। घर भी पूरा एकदम बिखर पड़ा है, अब इसको यहाँ पे झाड़ू मारा जाएगा फटफट, क्योंकि कल सुबह सुबह निकलेंगे। सुबह क्या मतलब 8 की तरफ निकलेंगे, तो कल नहीं फटफट काम हो फिर निकल सुबह तक जब निकलेंगे तो कहाँ जा रहे तो पता ही चल जाएगा। सो यही है, तो फटाफट से झाड़ू मार देते तो काम मिल जाए। तो गाइस जितना पैकिंग वगैरह था सब हो गया और अब मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि मेरा हालत बेहाल हो चुका है और ठीक 12 भी बज गई है और आज लेट ही हो गया बहुत। आते आते में भी हम लोग को लेट हो गया था वहाँ से। तो अभी वीडियो को यहीं तक रखते हैं, कल हम लोग को जल्दी भी उठना है, तो अभी वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। Yeah.